वेलकम टू आवर चैनल एक्सट्रीम। अब आज हम आपके बीच लेके आए हैं ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड। स्मार्ट हाइब्रिड लिख रखा है पर माइल्ड हाइब्रिड है। तो इसकी बात करेंगे हम स्पेसिफिकेशंस की और सेफ्टी फीचर्स की और बिल्ड क्वालिटी की कि मारुति ने कैसी बिल्ड क्वालिटी दी है ग्रैंड विटारा में। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं शुरू और आपको बताएंगे कि पीछे से ही शुरू कर लेते हैं। पीछे से टेल लाइट एलईडी दी गई है, एलईडी टेल लाइट दी गई है, हैलोजन टर्न इंडिकेटर दिया गया है, हैलोजन रिवर्स लाइट दी गई है और रिफ्लेक्टर दिया है। कुछ इस तरीके की ग्रैंड विटारा की क्रोम में बैजिंग दी है, रियर डिफोगर आते हैं। तो भाइयों ये ग्रैंड विटारा सिग्मा स्मार्ट हाइब्रिड है, बेस मॉडल है। तो रिवर्स कैमरा भाई ने बाहर से लगवा रखा है, बाहर से मतलब कंपनी से ही, और चार रिवर्स पार्किंग सेंसर आते ही हैं इसमें। अपर माउंट ब्रेक लाइट रिप्लेसमेंट यहाँ दी गई, शार्क पिन एंटीना, सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स, साइड व्यू कुछ ऐसा है गाड़ी का। दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं कीलेस एंट्री के लिए। मैन्युअली ओपन फ्यूल लिड मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल है इसकी 215/60 R17। कोई अलॉयज नहीं दिए जाते, रिम में आती है, बेस मॉडल कार है ये। तो छोटा सा स्पॉइलर भी दिया है मिक्स्ड विथ रूफ। अब आते हैं गाड़ी के आगे। और तो भाइयों गाड़ी की फ्रंट लुक कुछ ऐसी है, क्रोम और ब्लैक पियानो फिनिश में ग्रिल दी गई है सुजुकी की बैजिंग के साथ। बम्पर में सिल्वर फिनिश में थोड़ा सा टच दिया गया है। लाइट हैलोजन मिलती है टोटली, प्रोजेक्टर हैलोजन है, टर्न इंडिकेटर एलईडी दिए गए हैं। कुछ ऐसी ग्रैंड विटारा की बेस मॉडल की दी गई है, सिर्फ लॉक अनलॉक आता है, कुछ इतनी खास की नहीं दी गई। तो मैन्युअली फोल्डेबल साइड मिरर है विद एलईडी टर्न इंडिकेटर, रिक्वेस्ट सेंसर है। माउंट कंट्रोल में चारों पावर विंडो आती है, ड्राइवर साइड वन टच अप वन टच डाउन, लॉक अनलॉक और ये साइड मिरर्स को इलेक्ट्रॉनिकल सेट करने के लिए और फोल्ड करने के लिए। मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल सीट दी जाती है, ड्राइवर साइड 8-way एडजस्टेबल है और पैसेंजर साइड 6-way एडजस्टेबल है। बेस मॉडल में ही स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है कुछ इस तरीके से क्रोम फिनिश के साथ। तो अब आज ये गाड़ी के अंदर, तो करेंगे गाड़ी के अंदर के फीचर्स की बात कि क्या फीचर्स दिए गए हैं। बोतल होल्डर दिया गया है यहाँ पे, बोतल थोड़ा सा स्पेस। और चलिए आज ये गाड़ी, तो अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील है सिल्वर फिनिश के साथ और थोड़ी बहुत क्रोम टचिंग के साथ। इंफोटेनमेंट को हैंडल करने के लिए बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम अप डाउन और म्यूट के लिए। बेस मॉडल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आता नहीं है, भाई ने लगवा रखा है कंपनी से ही। तो गाड़ी को ऑन करते हैं और देखते हैं गाड़ी कितनी चल रखी है। कुछ इस प्रकार का क्लस्टर आता है एनालॉग मीटर के साथ, बीच में है छोटी सी डिजिटल स्क्रीन है, टाइम दिखा रखा है। नई गाड़ी है, 3600 चलने वाली है। लो फ्यूल वार्निंग मिल जाती है गाड़ी में, टेम्परेचर दिखा रखा है और कुछ वार्निंग्स वगैरह। टॉप स्पीड 220 दी गई है, फ्यूल के लिए दिया गया है, टेम्परेचर इंजन टेम्परेचर के लिए। तो नोब दिए गए हैं ट्रिप मीटर वगैरह चेंज करने के लिए। ऑटो एसी कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑन ऑफ, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, नो वायरलेस चार्जिंग। सेंट्रल कंसोल कुछ ऐसा है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं बीच में, हैंड रेस्ट मिल जाता है थोड़े से स्पेस के साथ। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिया गया है, लाइट ब्राउन, कॉफ़ी ब्राउन और ब्लैक के साथ सिल्वर फिनिश में यहाँ टच दिया गया है थोड़ा सा। स्पेस काफ़ी है मेरी हाइट के हिसाब से, नी रूम लेग रूम काफ़ी है। अंडर थाई सपोर्ट सफिशियंट है, मैंने सीट एडजस्ट कर ली है। तो सनशेड देखते हैं,
वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड भी दिया जाता है, लाइट नहीं दी जाती, और पैसेंजर साइड भी वैनिटी मिरर दिया गया है, कोई लाइट नहीं दी जाती। एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स दी गई है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, रियर व्यू मिरर सिंपल कुछ ऐसा दिया गया है, हैलोजन कैबिन लाइट दी जाती है, माइक की प्लेसमेंट दी गई है, और बेस मॉडल है ये, इतना खास कुछ मिलता नहीं है गाड़ी में। लाइट्स नॉर्मल, वाइपर नॉर्मल। तो अब चलेंगे पीछे की तरफ और बात करेंगे पीछे के स्पेस की और सीट्स की स्प्लिट रेशो वगैरह की, और कैसा स्पेस, कैसे फीचर्स पीछे दिए गए हैं गाड़ी में। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कैसा स्पेस वगैरह दिया गया है। तो आगे की सीट मैंने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली थी, पीछे तीन हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि मेरी कमर में अट रहा है। यहाँ पे कैबिन लाइट दी गई है दोनों तरफ, बोतल होल्डर दिया गया है जिसमें एक लीटर की बोतल भी मुश्किल से आएगी, थोड़ा सा स्पेस। पीछे एसी वेंट्स दिए गए हैं, कोई कंट्रोल नहीं दिया जाता, कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं आता, हल्का सा स्पेस दिया गया है। बीच में हेडरेस्ट विद कप होल्डर, दो कप होल्डर दिए जाते हैं। 60-40 का स्प्लिट रेशियो है पीछे की सीट का, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को ये ऊपर करना पड़ेगा पूरा जब जाके। वैसे स्पेस तो सफिशिएंट है, नी रूम इतना है, लेग रूम काफ़ी है, अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल कम है, हेड रूम सफिशिएंट है। पार्सल ट्रे कुछ ऐसी दी गई है, इतना स्पेस दिया जाता है पार्सल ट्रे पे, और इतना कुछ है नहीं बताने को, बेस मॉडल है। तो चलते हैं बूट की तरफ, बूट स्पेस बताएंगे, स्पेयर व्हील दिखाएंगे और बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की गाड़ी के। करते हैं बूट को ओपन, बटन दिया गया है बूट ओपन करने के लिए। 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है कुछ ऐसा दिया गया है, देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस इस तरफ दिया गया है, थोड़ा सा इस तरफ हुक दिया गया है, कोई लाइट की प्लेसमेंट नहीं दी जाती बूट में। स्पेयर व्हील 215/60 R17 सेम टायर साइज स्पेयर व्हील दिया है, तो ये बिल्कुल रिमूव भी कर सकते हो, फिक्स नहीं है। पार्सल ट्रे अटैच टू कोर्ड्स, तो ऐसा बूट स्पेस गाड़ी में। बेस मॉडल है। आप चलेंगे इंजन की तरफ और बात करेंगे इंजन कितने सीसी का दिया गया है, कैसा इंजन दिया गया है, और क्या भाई को बुलाएंगे जिसकी गाड़ी है, पूछेंगे क्या एवरेज रहती है गाड़ी की और कैसी परफॉर्मेंस है गाड़ी की। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेता हूँ, उससे पहले दो एयरबैग्स मिलते हैं, आगे के वेंटिलेटेड डिस्क मिलते हैं, पीछे के नॉर्मल डिस्क मिलते हैं। कुछ ज़्यादा खास सेफ्टी फीचर है नहीं, NCAP टेस्टेड है नहीं गाड़ी। तो करते हैं हुड को ओपन और देखें, हमने कर लिया हुड ओपन, और 1462 cc 4-cylinder DOHC इंजन, K15C DOHC इंजन दिया जाता है गाड़ी में। 4-cylinder 4-valve ईच सिलेंडर मिलता है, कुछ ऐसा इंजन है गाड़ी का नॉर्मल सा। तो अब बुलाएंगे भाई को और भाई से पूछेंगे गाड़ी का, भाई का एक्सपीरियंस कैसा है, और माय एवरेज वगैरह पूछेंगे और परफॉर्मेंस पूछेंगे गाड़ी की। तो बुलाते हैं, भाई का नाम अंकुर है। तो भाई कैसे हो आप? बढ़िया। तो भाई से, भाई की गाड़ी है, भाई से पूछेंगे। 3600 चलने वाली है, अभी रिसेंटली ली है। तो सबसे पहले मैं भाई से पूछूंगा, जैसे कि ये बेस मॉडल है तो माइल्ड हाइब्रिड दिया गया है, तो भाई से पूछूंगा कि एक हाइब्रिड का कुछ बेनिफिट है गाड़ी में या नहीं है। भाई से गाड़ी में हाइब्रिड का बेनिफिट तो मेरे को तो लगा नहीं गाड़ी के अंदर। अच्छा, एवरेज भी वही देती है बस 12 के आसपास सिटी के अंदर, और हाईवे पे मेरे को देखिए ज़्यादा 15 की एवरेज दे रही भाई। तो जैसे कि माइल्ड हाइब्रिड में बताया जाता है इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल, तो कोई इलेक्ट्रिक का फीचर है भाई अभी तक तो कुछ नहीं मेरे को दिखे, नहीं दिखने को मिला इसके गाड़ी के अंदर। टॉप मॉडल में बताऊं भाई, टॉप मॉडल में है, सुना भाई, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, तो एवरेज क्या रहती है सिटी में और हाईवे पे गाड़ी की? भाई सिटी में तो देखो 12 की फिलहाल 3600 चली है अभी। हाँ, अरे वही हाईवे पर भाई 15 की अभी तक दी इसने गाड़ी में, 15 की दी है। तो कुछ इतनी खास एवरेज भी नहीं है गाड़ी की, क्रेटा के मुकाबले, क्रेटा के बराबर ही लगा लो एक तरीके से।
और इसे अच्छा तो MG स्टोर वगैरह भी दे देती है। तो भाई से पूछेंगे अब गाड़ी की परफॉर्मेंस वाइज, की गाड़ी की परफॉर्मेंस वाइज हाईवे वगैरह पे गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो भाई क्या परफॉर्मेंस है आपके हिसाब से गाड़ी की और कैसी बिल्ड क्वालिटी है इसकी? भाई बिल्ड क्वालिटी तो भाई सबको पता मारुति कैसी आती है, वो तो है। और वैसे परफॉर्मेंस के बारे में पूछो तो ओला गाड़ी में लेगा भाई, लैक है गाड़ी, गाड़ी में लैक। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है गाड़ी, तो गाड़ी में लैक भाई किस तरीके से बोल रहे हैं तो वो भी पूछते हैं, किस तरीके से आपको लैक लग रहा है भाई? देखो अगर आप चलाते हो प्यार से गाड़ी को तो ठीक है, ये जब रफ एंड टफ चलाने की बारी आती है तो भाई इसमें लैग फील होता है, और फिफ्थ गियर के बाद ऐसा लगता है गाड़ी सिक्स्थ गियर मांगती है, गाड़ी दब है। तो भाई का कहना है कि ये कार बहुत हल्की क्वालिटी में बनाई गई है, जैसे हाईवे पे भाई भगाता है तो ऐसा हो जाता है कि गाड़ी उड़ने को हो रखी है। तो मारुति बिल्ड क्वालिटी का सुधार करेगी तो, लेकिन मिडिल क्लास सेगमेंट में इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर बिल्ड क्वालिटी बढ़ाएगी कंपनी तो गाड़ी का रेट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो भाई से रेट और पूछ लेते हैं एक बार, क्या भाई गाड़ी का रेट क्या रहता है? 11 लाख की पड़ी है भाई, 11 लाख की पड़ी है भाई को गाड़ी, तो मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है, तो इसलिए ऐसी बिल्ड क्वालिटी देगी मारुति, नहीं तो फिर मिडिल क्लास की अफोर्डेबल नहीं रहेगी। एवरेज वाइज भी अफोर्डेबल रहती है, लेकिन इसकी एवरेज कुछ खास लगी नहीं हमें, दबती है दबती गाड़ी। तो ऐसा कुछ भाई का एक्सपीरियंस था गाड़ी के बारे में, और भाई को करेंगे हम अलविदा, और भाई का शुक्रिया करते हैं हम अपने साथ जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और एक्साइटिंग कार रिव्यूज़ देखते रहें, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को।